गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिफिनेशंस होंगी वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिफिनेशन देखते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस मीन्स आप हम क्या समझते हैं, सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक, है ना। जैसे वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। इसी तरह अगर आपका सीक्वेंस किन्हीं रियल नंबर्स का है, ठीक है, अगर आपके रियल नंबर्स इस फॉर्म में हैं वन बाई वन, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो टेक्निकली अपन इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज़ अ फंक्शन डिफाइन ऑन द सेट सेट एन, ठीक है। एन क्या है, एन इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज रेंज इज़ कम हुज रेंज इज़ कंटेन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पास सीक्वेंस में दो चीज़ें होती है, एक होता है डोमेन और दूसरा होता है रेंज। तो डोमेन ऑलवेज नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी और रेंज किसको रिप्रेजेंट करेगी, रियल नंबर्स को। यहाँ हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सीक्वेंस यानी कैपिटल एस एन टू आर। तो एन क्या है, आपका डोमेन है और आर क्या है, रेंज यानी कोडोमेन, ठीक है। तो आप देखिए वन टू थ्री ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, इसी तरह आपके क्या हैं एस वन एस टू एस थ्री, और उसके बीच में क्या डिफाइन है, एक फंक्शन। फंक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया इसलिए किया है क्योंकि सीक्वेंस अपन डिफाइन कर रहे हैं। आप इसकी जगह पे और दूसरा नाम भी ले सकते हैं, आप एफ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, फंक्शन का नेम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें कि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हर एक डोमेन में उसकी एक प्रॉपर इमेज कहाँ है, आपके कोडोमेन या रेंज में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रिलेशन हमेशा वन टू वन या ऑन टू होता है जिसमें एक प्रॉपर इमेज बनती है, यानी एक नंबर की या आपकी प्रॉपर इमेज कहाँ होती है, उसके रेंज में, और थ्रू द फंक्शन ये डिफाइन होता है, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू हमेशा इस डोमेन की एक रेंज में क्या बनेगी, इमेज, और उससे क्या निकल के आएगा, एक सीक्वेंस। तो हर एक नंबर के लिए क्या निकलेगा, एक सीक्वेंस। तो ये क्या कहलाता है, आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में अपन कहें, देखिए हमने यहाँ लिया है लेट एस एन टू आर, है ना, वेयर एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। तो यहाँ क्या डिफाइन है, इससे आपका देखिए इमेज वन की जो आपकी सॉरी वन की जो वन बिलोंग्स टू एन और इस एस वन बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वन की इमेज जो है वो क्या है, एस वन है जो कि इसमें है आर में है। इसी तरह टू की इमेज क्या है, एस टू है जो कि आर में बिलोंग करती है। तो इसी तरह आपका लास्ट में क्या होगा, एस एन बनेगी इमेज, एन की इमेज एस एन बनेगी जो कहाँ होगी, आर में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस एस एस एन 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 इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम एन इन टू आर, ठीक है। तो एन आपका जो ये लास्ट में ये क्या है, ये सीक्वेंस मिलेगा आपको, और ये जो एन की वैल्यू है हमेशा वन टू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। समटाइम्स आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, एस वन एस टू एस थ्री, जैसे जैसे आप यहाँ एन की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि आपका एस क्या है, एस एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया है कि एस एन यानी जो आपका लास्ट में आपका इक्वेशन है वो कॉस एन पाई है। तो अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू रिप्लेस करते जाएँ, हम हमेशा सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, एस वन एस टू एस थ्री अप टू सो ऑन। तो जब यहाँ एन की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, एन की वैल्यू कहाँ से है, वन से लेकर इन्फिनिटी, तो वन रखेंगे तो कॉस पाई आएगा, टू रखेंगे तो कॉस टू पाई, कॉस थ्री पाई, तो इनकी जो वैल्यू होती है कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, कॉस टू पाई की वन होती है, कॉस थ्री पाई की माइनस वन, तो ये कंटिन्यूसली ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये क्या है, बनेगा आपका एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस। इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस मतलब आपको यहाँ कितने सीक्वेंस लेने हैं, टू सीक्वेंस लेने हैं। तो हमने लिया है एनी टू सीक्वेंस एस एंड टी, ठीक है। और देखिए दोनों के फंक्शन वैसे ही आपके डिफाइन है, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, ये आपके इक्वल कहे जाएंगे जब इनके एस एन इक्वल्स टू क्या आएगा, टी एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, है ना। एन इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और एन आपका कोई भी हो सकता है, वन टू थ्री अप टू सो ऑन, और कैपिटल एन क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर्स होगा। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि ये एस एन है और ये आपका टी एन है। अब देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो एस एन इक्वल्स टू टी एन हुआ, ठीक है। फिर क्या है आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में आपको देखना है कि आपके सीक्वेंस में किस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो हमने लिया है लेट ए बी एनी सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ए आपका क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं,
ठीक, तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं एन टू ए, वेयर एस एन इक्वल्स टू एस एन फॉर एन बिलोंग्स टू एम, देन एस एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अगर ऐसा कोई फंक्शन है आपका ए, अब ये यहाँ आप मत सोचिएगा कि ये आपका रियल नंबर्स ही होगा, ये कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, ठीक, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, ये जो फंक्शन होगा एस, उसके हर एक डोमेन की जो इमेज है वो प्रॉपर कहाँ बननी चाहिए, ए में, तब ए क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, आपका अगला जो आपका है डिफिनेशन वो है कांस्टेंट सीक्वेंस की। कांस्टेंट सीक्वेंस भी एग्जैक्टली अपन डिफाइन कर रहे हैं, देखिए, इफ़ एस एन टेंस टू ए इज़ डिफाइंड बाई एस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वेयर के बिलोंग्स टू ए, देन एस इक्वल्स टू के एन वन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपका एन क्या है, डोमेन है नेचुरल नंबर्स का, तो उससे जब भी आप ये फंक्शन सीक्वेंस फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रॉपर इमेज कहाँ बनेगी, ए में बनेगी। तो अगर आपको कोई एक वैल्यू है के जो किस में बिलोंग करती है, ए में बिलोंग करती है, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू के के, यहाँ पे के एन लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ एक हमने सीक्वेंस लिखा है ए ए ए, हर एक वैल्यू क्या आ रही है, ए ए, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब आप के की जगह पे यहाँ क्या ले लें, ए, और एक इसका एलिमेंट होगा आपका कैपिटल ए का, तब आप इस सीक्वेंस को जो निकल के आएगा, अगर मतलब यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा कि आपका यहाँ क्या वही इमेज मिले। ठीक है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट आपका आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाते हैं। फिर आपका क्या है, लास्ट में आपको एक आखिरी डिफिनेशन बता दें, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस की हमको क्या करना है, लिमिट्स डिफाइन करना है। तो कैसे आप लिमिट्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमारी जो वैल्यू है वो वन से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, तो इसकी हमें लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो डिफिनीशन आप देखें, लेट एस एन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी वी आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास रियल नंबर्स का सीक्वेंस है एस एन। ठीक है, वी से दैट एस एन अप्रोचेज द लिमिट्स। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारे पास एस एन की एक लिमिट्स एल है, एल क्या होगा आपका, एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्योंकि अपन आप एन वन एन इक्वल्स टू वन टू कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो जितने भी अप्रोचेस आप लगाएंगे उन सब की लिमिट्स क्या होगी, एल। ठीक है, कब होगी, इफ़ फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, हम एप्साइलन में कोई भी वैल्यू ले लेंगे जिससे हम इस लिमिट को आपका क्या करेंगे, डिनोट देखेंगे हम कि एल की वैल्यू क्या है, एप्साइलन से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो लिमिट्स तभी होगी जब एप्साइलन हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट। ठीक है, तो एम सच दैट, अब आपको ये फंक्शन है मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्साइलम एंड एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम। अब आप क्योंकि इस डिफिनीशन के बारे में मैं डिटेल में बता देती हूँ कि देखिए एस एन क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है, एल हमने उसकी कोई लिमिट ली है, एल आपकी क्या है, कोई लिमिट है। तो जब आप इसको जो सीक्वेंस है उसे हमेशा सीक्वेंस में अगर आप लिमिट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑलवेज क्या आना चाहिए, लेस देन एप्साइलम, और एप्साइलम की वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक, तो अगर ऐसा आता है कि जो आपने लिमिट्स डिफाइन की है, ठीक, वो अगर आप सीक्वेंस में माइनस करते हैं तो जो उसकी वैल्यू मॉड की निकल के आती है अगर एप्साइलम से लेस देन है, देन आप क्या कह सकते हैं कि एल इज़ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब आप कहेंगे एल क्या है, तो एल आपको क्वेश्चन में लिमिट्स दी रहे होगी, आपको चेक करना है कि वो लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस है या नहीं है। तो अपन देखिए एस एन अप्रोचेस द लिमिट्स एल वी राइट, आप लिमिट्स को कैसे निकाल सकते हैं, लिमिट एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमेशा आप याद रखिएगा हमने यहाँ लिखा है अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्योंकि अपन क्या मानते हैं जितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशन सीक्वेंस हो सकते हैं मैक्सिमम, ये लिमिट्स याद रखिएगा, ये सिर्फ किन्हीं दो या तीन सीक्वेंस के लिए नहीं होगी, ये जो भी सीक्वेंस आप डिफाइन करेंगे जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे उन सब के लिए ये लिमिट्स क्या करेगी, वर्क करेगी। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, लिमिट एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एल, मतलब ये इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, वो एल के बराबर होनी चाहिए, देन आप कह सकते हैं एल इज़ अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमारा क्या है जो सीक्वेंस है वन टू थ्री अप टू
100, तो m क्या है आपका 100 है, ठीक है। m क्या है हम मान लेते हैं सीक्वेंस नंबर क्या है, देखिए आपने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर m, तो m कोई अलग से नहीं आएगा, उसी सीक्वेंस का सेट का क्या होगा एलिमेंट होगा, तो m को हम क्या मान लेते हैं कि 100 है। तो याद रखिएगा अब उसके 100 के आगे चाहे आपको 101 आए, 102 आए, 103 आए, कोई भी सीक्वेंस आए, अगर आप उसे में लिमिट्स माइनस करेंगे तो वो ऑलवेज आपका लेस देन एप्सिलॉन आना ही चाहिए, तभी आपका एल क्या कहलाएगा, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। तो ये कुछ डिफिनीशंस थी आपकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, अब इनके क्या सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।